नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने सोमवार को देहरादून में जोशीमठ भूधसाव की स्थिति को लेकर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस समय एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाना चाहिए। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि भूस्खलन से किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए सबसे पहले परिवारों को शिफ्ट किया जाए और उस बिल्डिंग को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त किया जाए जो अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। जिन स्थानों पर प्रभावित परिवारों को रखा गया है, उन स्थानों पर उनके रहने और खाने की उचित व्यवस्था हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रभावित नागरिक और शासन प्रशासन के मध्य किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप ना हो। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूधसाव के कारण मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो सकता है, नए टावर लगाकर संचार व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। साथ ही कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखा जाए ताकि लोगों से किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संपर्क किया जाए। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के कारण उत्तराखंड के पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए औली में आयोजित विंटर गेम्स होंगे या नहीं, इसको लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट औली में दूसरी बार राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाना था। ये टूर्नामेंट 2 से 5 फरवरी के बीच आयोजित होने थे। खेलों के लिए पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन जोशीमठ आपदा के चलते प्रस्तावित विंटर गेम्स रद्द हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जोशीमठ में भूधसाव और भूस्खलन को देखते हुए खेलों के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। औली विंटर्स गेम को रद्द करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया गया है और लगातार परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है और अगले 7 दिन के अंदर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, जिसके लिए जोशीमठ आपदा को देखते हुए विभाग की एक टीम जोशीमठ भी गई हुई है, जो विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी और उसी के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।